पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, किसी भी कोर्स में, तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो पीजी कोर्सेज में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग बता दें, यम जगदीश कुमार ने आप लोगों को क्लियर किया है कि CUET पीजी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जिसमें सभी पीजी कोर्सेज में प्रवेश लिया जाएगा, ठीक है। तो पीजी के जितने स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को पूरा देख लें, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, आप लोग कब तक फॉर्म अप्लाई करोगे, एग्ज़ाम कब तक होंगे, और क्या आप लोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। यानी कि CUET पीजी एग्ज़ाम 2020 बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि CUET की कोई अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप लोग की यूनिवर्सिटी अपडेट रहती है, सबसे पहले टारगेट गुरुकुल आपको इन्फॉर्म कर देता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को जरूर लाइक कर देना आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, एम जगदीश कुमार, चेयरमैन ऑफ UGC के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यहाँ पर ट्वीट किया गया, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट है। मैं बता दूँ आप लोग को, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर लिखा गया, CUET PG, यानी CUET UG एग्ज़ाम के बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हो, कि जितने भी आप BA BCOM BSc LLB में अगर एडमिशन लेना है, तो आपको CUET UG का आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो भरा जा रहा है वो भरोगे, उसी के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। बट PG के स्टूडेंट्स परेशान थे कि PG वालों के लिए क्या होगा। फ्रेंड्स, CUET PG का भी फॉर्म आप लोग के लिए आ गया। यहाँ पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टू बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई 2020 के लास्ट वीक में आप लोग के CUET PG का एग्ज़ाम होगा। यानी कि आप लोग MA MCOM में से जितने भी PG कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन लेना, तो आपको CUET PG का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट विल बी स्टार्ट टुडे ऑन NTA वेबसाइट, यानी कि NTA वेबसाइट पे आप लोग को आज से ही आप लोग का जो फॉर्म है वो आप लोग का भरा जाएगा, ठीक है। सब कुछ दे मैं क्लियर करूँगा, पहले पे पूरी इन्फॉर्मेशन को समझिए और यहाँ पर कोशिश करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जितनी भी यूनिवर्सिटी, ठीक है, अभी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET PG के अंदर आएंगी, उनकी जो परमानेंट जो प्रोग्राम डिटेल है, यानी कि जो भी उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग की NTA की वेबसाइट पे आप लोग को अपडेट कर दी जाएगी। एक बार यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मैं नोटिफिकेशन को पढ़ूंगा नहीं, वहाँ पर मैं क्लियर आपको करता हूँ, ठीक है। आपके माइंडसेट से मैं यहाँ पर क्लियरफिकेशन करता हूँ कि जैसे जितने भी स्टूडेंट्स UG में एडमिशन लेना है ना, तो उनका सब कुछ क्लियर हुआ कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स को CUET के अंदर में रख रही है, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे BHU ने BA BCOM BSc BLLB को रखा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अपने वहाँ पे कुछ कोर्सेज को BFA एंड BCA को छोड़ के सभी कोर्सेज को वहाँ पे UG में रखा, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग अपनी वेबसाइट पे अपडेट दे रहे हैं कि किसका कौन सा कोर्स वहाँ पे मेंशन है CUET में, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी वहाँ पे वो खुद ही बता रहे हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस आप लोग के PG एग्ज़ाम के लिए भी होगा। अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है, तो आप लोग वेट करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BHU अपनी खुद की नोटिफिकेशन देंगी, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि आप लोग का एग्ज़ाम CUET के अंडर में होगा। यहाँ पर आगे देखिए, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है वो 19/5/22 से आप लोग को चालू हो चुका है। यह लिंक जल्द ही CUET NTA.ac.in पे आप लोग को अवेलेबल होगी। जैसे ही अवेलेबल होगी, हम तुरंत आपको वीडियो थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म भरोगे वो भी हम आपको क्लियर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जैसे आपको CUET UG के एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करा रहा है, NTA कंडक्ट करा रहा है, पेपर NTA द्वारा होगा और इसमें 42 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, सेम उसी तरह आप लोग के पोस्ट ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट को भी 42 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और NTA इसको भी कंडक्ट कराएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, CUET विल प्रोवाइड सिंगल विंडो, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को एक एग्ज़ाम होगा और एक एग्ज़ाम के थ्रू आप 42 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि आप CUET UG के लिए देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोग को देनी थी कि यहाँ पर लिखा गया है कि CUET PG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड, यानी CBT मोड में आपको एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे UG का एग्ज़ाम हो रहा है। फिर फ्रेंड्स, जो आप लोग का ये अप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 19/5/22 यानी आज से लेके 18/6/22 तक, यानी 18 जून तक आपका ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। 18 तारीख तक आप फॉर्म आराम से अप्लाई करेंगे, आज से फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे विंडो ओपन होगी, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दिया, मैंने पहले ही बता दिया, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में MA करना है, MCOM करना है, MSc करना है, LLB करना है, तो आप लोग प्लीज़ वेट करिए, आपकी वो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपडेट देगी, इन्फॉर्मेशन देगी, आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसका जो आप लोग का नाम है यूनिवर्सिटीज़, जैसे BHU में लेना है, इलाहाबाद में लेना है या फिर DU में लेना है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कि जिससे वो अपना PG के अपडेट देता है, PG का ब्राउजर्स लॉन्च करता है या फिर नोटिफिकेशन देता है क्या उसमें एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कोर्स उन्होंने CUET PG में डाले हुए हैं, तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपका फॉर्म आज से लेकर 18 जून तक भरा जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर देना। अभी वेट करिए, अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको धीरे धीरे क्लेरिफिकेशन देंगी, फॉर्म भरने में कोई जल्दी मत करिए, अभी टाइम बहुत है। अभी कम से कम 15-20 दिन आप रुकिए, आराम से रुकिए और देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ को कब से करिए, क्या वो सिलेबस है, क्या वो चीज़ें दे रही है, उस अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करेंगे, साथ मिलकर सब कुछ करेंगे। आपको परेशान होना, बस जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ रहेगा।